दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सुबातु छावनी में रविवार सुबह परिषद के खाद प्लांट के पास बने डंपिंग पॉइंट पर आग लग गई। आग ने काफी बड़े क्षेत्र को घेर लिया। आग लगने की सूचना लोगों ने छावनी परिषद को दी। छावनी परिषद के कर्मचारी व सेना के जवान अपने टैंकर लेकर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। उसके बाद कुठाट बनलगी से अग्निशमन विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और सेना व अग्निशमन विभाग के कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं दूसरी कड़ी में उपरली थड़ी में सोलन सड़क से ऊपर भी भयानक आग लग गई और छपरौली गांव तक पहुंचने के बाद आग ने फिर से सवातु छावनी की ओर रुख कर लिया। इसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मचारी उस ओर आग बुझाने के लिए निकल गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, पर मौके पर पहुंचे लोगों के अनुसार इस आग की घटना को नशेड़ियों का काम बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं छावनी वन रक्षक हूँ और यहाँ पे SWW प्लांट पे आग लगी है, जिसकी सूचना मैंने सबसे पहले CO साहब को दी और उसके बाद मैंने इसकी सूचना सेना के अधिकारियों को दी, जिन्होंने मौके पर आके हमारे दो टैंकर भेजे और एक टैंकर का हमने भरपूर यूज़ किया, परंतु मुझे कमी का अभाव हुआ। इस कारण मैंने अग्निशामक विभाग को भी सूचित किया और उनके भी मदद मिली है हमें यहाँ पे, और अभी काम जारी है। सेना और अग्निशामक का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुबाथु से कपिल गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा हिमालयन सोशल इंस्टीट्यूट समाज सेवी संस्था बद्दी से आपको कोरोना वायरस से बचाव के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि बचना है, जिसके लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और यदि किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जाना हो तो मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और जब घर वापस आएँ तो अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक साफ करें और अपने घर को रोज़ फर्श को सर्फ और फिनाइल से साफ़ करते रहें। अपने हाथों को एक एक घंटे के अंतराल के बाद साबुन से साफ़ करते रहें। किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, घर पर ही रहें। नियम बनाकर चलना ही सुरक्षा है। धन्यवाद। अरे ये क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? अरे इस प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को संभाल कर रखो, 75 रुपए किलो बिकता है ये। 10 रुपए किलो बिकने वाली रद्दी को बड़ी संभालती हो। अब प्लास्टिक कोई कचरा नहीं है, इसे बेचें, पैसा कमाएं और प्लास्टिक प्रदूषण से राहत पाएं। राज्य के स्थानीय शहरी निकायों में स्थापित प्लास्टिक कचरा खरीद केंद्रों में रिसाइकल न हो सकने वाले ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, कैंडीज, नूडल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक के कचरे तथा विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे दूध, तेल, शैम्पू, हैंड वॉश, लस्सी, दही, जूस इत्यादि को साफ व सूखे पैकेजिंग प्लास्टिक का कचरा बेचा जा सकता है। चल पड़ी है ये लहर, हर गाँव हर शहर, प्लास्टिक कचरे से प्रदेश को मुक्त कराना है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी।